प्रिय दर्शकों, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सबको डॉक्टर योगी मलिक की तरफ से हार्दिक सप्रेम नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे अर्श यानी बवासीर यानी पाइल्स के बारे में। अर्श एक भयंकर कष्टदायक रोग है। रोगी बैठने से भी डरने लगता है। ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में 60 से 70% लोग इस बीमारी से पीड़ित है। आयुर्वेद कहता है कि आरिवत प्राणान श्रृणाति इति अर्श है, अर्थात जो दुश्मन की तरह प्राणों को संकट में डाले उसे अर्श कहते हैं। महर्षि वाग्भट कहते हैं, आरिवत प्राणिनो मांस कील का विशसंति यत अर्शांसि तस्माद उच्यन्ते गुद मार्ग निरोधते हैं, अर्थात जो मांस कीलक यानी कि मस्से गुदा मार्ग के अंदर एनस के अंदर रुकावट पैदा करके शरीर को शत्रु के समान नष्ट करते हैं उसे अर्श या बवासीर कहते हैं। हमारे गुदा द्वार यानी एनस में 3 मांस पेशियां हैं जिन्हें महर्षि सुश्रुत ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः संवरणी, विसर्जनी एवं प्रवाहिनी नाम दिया है। मॉडर्न साइंस इन्हें 3 स्फिंक्टर मसल्स के रूप में वर्णन करती है। इन्हीं में पाइल्स की उत्पत्ति होती है। गुदा द्वार यानी कि एनस में खून की नलियों में सिराओं में सूजन आकर के वे फूल जाती हैं और फूलने से मस्से बन जाते हैं। कभी कभी ये ज़्यादा फूल जाने पर खून के दबाव से रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है। मस्से कठोर होकर बहुत कष्टदायक दर्द पैदा करते हैं। इस भयंकर बीमारी में 3 दोष कुपित होते हैं, 5 वात, 5 पित्त, 5 कफ, 3 ही बिगड़ जाते हैं। मॉडर्न साइंस में इन्हें एक्सटर्नल व इंटरनल नाम से परिभाषित किया गया है। यानी मस्से गुदा द्वार के अंदर ही रहें तो इंटरनल और मस्से गुदा द्वार से बाहर निकलाएं तो एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। आइए अब इस पाइल्स के कारणों की भी चर्चा कर लेते हैं। भारी, ज़्यादा मीठे, ठंडे, विदाही यानी कि तले भुने फास्ट फूड जंक फूड का सेवन करना, लाल मिर्च, चाय, खटाई, अचार आदि व मैदा आयोडीन युक्त नमक, चीनी व रिफाइंड तेल और वनस्पति घी से बने पदार्थों का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, मांस मछली अंडे का सेवन करना, धूम्रपान करना, ज़्यादा चिकनाई युक्त खान पान, आलू उड़द आदि का ज़्यादा सेवन करना, लीवर में विकृति आ जाना, कब्ज का होना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ये सब मुख्य कारण है। आयुर्वेद में ऊँट की सवारी से भी बवासीर होना बताया गया है। अब तो ऊँट की जगह मोटरसाइकिल आ गई है। मोटरसाइकिल की लंबी सवारी भी आप करेंगे तो बवासीर होने के पूरे चांस रहेंगे। ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, ये भी बहुत मुख्य कारण है। आइए अब पाइल्स के लक्षणों की भी चर्चा कर लेते हैं। अब पाइल्स के लक्षणों के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में वातज अर्श, पित्तज अर्श, कफज अर्श करके इनके अलग अलग 30-35 लक्षण बताए गए हैं। मैं सिर्फ मुख्य लक्षणों की बात करूँगा। अगर आपके गुदा द्वार पर गांठ या मस्से बन गए हैं, या आपके गुदा द्वार से खून आता है, या आपके गुदा द्वार से चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ निकलता है, या आपको शौच के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर आपके गुदा द्वार पर तेज खुजली और जलन होती है, ये लक्षण अगर हैं तो समझ लीजिए आप इस भयंकर बीमारी के शिकार हो चुके हैं। आइए अब पाइल्स के परहेज के बारे में जान लेते हैं। तो दर्शकों, विशेषतः क्रिया योगे निदान परिवर्जनम, अभी जो मैंने आपको पाइल्स के कारणों के बारे में बताया उन सब कारणों को छोड़ दें, यानी कि चाय, कॉफ़ी, मांस, धूम्रपान का सेवन ना करें। ज़्यादा भारी, ज़्यादा ठंडे, ज़्यादा चिकनाई युक्त पदार्थ बिल्कुल भी ना खाएं। मिर्च मसालेदार, खटाई अचार आदि, तीखे फास्ट फूड जंक फूड, समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, नमकीन आदि का सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक ना लें। मैदा आयोडीन युक्त नमक, चीनी, रिफाइंड तेल से बनी चीज़ों का सेवन ना करें। कब्ज बिल्कुल ना होने दें। ज़्यादा देर बैठे नहीं। ये सब आप करेंगे तो पाइल्स ठीक होने में आपको भरपूर मदद मिलेगी। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि पाइल्स के इलाज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले दर्शकों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि पाइल्स व सेक्स से रिलेटेड ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें रोगी शर्म के मारे किसी से जिक्र तक नहीं करता, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। तो मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि ये तो शरीर है, बेशकीमती है भाई, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे अंग हैं, किसी भी अंग में रोग हो सकता है, तो प्लीज़ शर्माएं नहीं, तुरंत इलाज करवाएं। अब कुछ मुख्य मुख्य नुस्खे मैं इसके इलाज के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अब पाइल्स के इलाज के लिए कुछ मुख्य मुख्य नुस्खे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। एक नींबू लें, एक कप दूध लें, देसी गाय का दूध मिल जाए तो सबसे अच्छा, दूध उबालकर ठंडा कर लें, या फिर गाय का दूध दूहते ही यानी कि धारों से दूध लें, नींबू का रस दूध मिला लें और दूध फटने से पहले तुरंत पी जाएं। ये आप 5 से 7 दिन तक ले सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट लेना है, और हाँ इसे लेकर अगले 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, पाइल्स में ज़बरदस्त फायदा करेगा। नंबर 2, खाने वाला भीमसेनी कपूर लें, 1 केला थोड़ा सा छील कर उसमें छेद कर लें, चने के दाने के बराबर भीमसेनी यानी देसी कपूर उस छेद में डाल दें और उसे निगल जाएं। याद रहे निगलना है, चबाना नहीं है, कपूर दांतों मसूड़ों को नुकसान कर सकता है, उसे सुबह सुबह खाली पेट सिर्फ 3 दिन तक ही लेना है, इसे लेकर फिर 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। नंबर 3, नारियल की दाढ़ी को धूप में सुखाकर उसका बारीक कपड़ छान चूर्ण बना लें, 3 ग्राम चूर्ण को 1 गिलास छाछ में मिलाकर सुबह खाली पेट पिए, इसी तरह दोपहर भी लें, शाम को भी लें, लेकिन शाम को छाछ ना लें बल्कि पानी के साथ पिए। इस तरह सुबह दोपहर शाम लगातार 3 से 7 दिन तक इसे ले सकते हैं। पाइल्स की ब्लीडिंग या शरीर में किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो, पहली बार पीते ही तुरंत रुक जाएगी, इसे लेकर अगले 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। हाँ याद रहे ये तीनों नुस्खे एक साथ ना लें, एक बार में सिर्फ एक ही नुस्खे का सेवन करें। नंबर 4, अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप किसी भी दूसरे नुस्खे को लेने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। किसी पंसारी से सूखे हुए अंजीर लें, रात सोते वक्त 2 सूखे अंजीर इतने पानी भिगो दें जितने में वो डूब जाएं, सुबह तक वो पानी पीकर फूल जाएंगे। ये हर रोज सुबह खाली पेट खूब चबा चबा कर खाएं, खाकर अगले 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, फिर इसी तरह 2 सूखे अंजीर सुबह भिगो दें, शाम को खाएं। महर्षि चरक ने एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया है, वे कहते हैं कि अर्श यानी पाइल्स, अतिसार यानी दस्त, ग्रहणी यानी स्प्रू रोग, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के हेतु हैं, कारण हैं, एवं अग्नि मंदे यानी कि खाना पचाने वाली जठराग्नि के मंदा पड़ने से होते हैं। अगर जठराग्नि तेज हो जाए तो ये तीनों रोग स्वतः ही ठीक भी हो जाते हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि तस्माद अग्नि बलम रक्षम एसु त्रिसु विशेषतः है, अर्थात इन तीनों रोगों में जठराग्नि के बल की रक्षा करनी चाहिए। इसी जठराग्नि के बल की रक्षा करने के लिए एक सरल व कारगर नुस्खा बता रहा हूँ, किसी भी पंसारी से छोटी काली हरड़ लें, सुबह शाम खाना खाने के तुरंत बाद एक छोटी काली हरड़ मुंह में रखकर चूसते रहें, 1.5 घंटे में वो पिघल जाएगी। अगर आप दोपहर भी खाना खाते हैं तो दोपहर भी चूसें, ये अकेली हरड़ आपको बहुत सारे रोगों से बचा ले जाएगी, कब्ज को, एसिडिटी को, गैस को दूर करेगी, इसे स्वस्थ इंसान को भी चूसना चाहिए। ये छोटी काली हरड़ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने व रोगी के रोग को दूर करने के लिए आयुर्वेद का दिया हुआ एक चमत्कारिक वरदान है। आयुर्वेद कहता है हरित के मनुष्याणाम माते वहित कारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की, अर्थात हरड़ मनुष्यों में माँ के समान भराताने वाली है, लेकिन माँ तो कभी कभार गुस्सा कर सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी गुस्सा नहीं करती, हमेशा फायदा ही करती है। बवासीर को दूर करने के लिए छाछ का सेवन सर्वोत्तम है, 1 गिलास छाछ में 1.5 ग्राम यानी कि 1/4 चम्मच अजवाइन का चूर्ण, 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर प्रतिदिन दोपहर के भोजन के बाद लेने से
मत्स्य ठीक होने के बाद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आते। दर्शकों, ये तो हुई खाने पीने वाले नुस्खों की बात। अब मत्स्यों पर लगाने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ। जलने वाला कपूर लें, कपूर से 8 गुना एरंड का तेल लें, पर एरंड का तेल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। दोनों को अच्छी तरह मिला करके कांच की बोतल में रख लें। पखाना करने के बाद मत्स्यों को धोकर पोंछकर पहले स्वमूत्र से धोएं। आप अपना स्वमूत्र यानी कि यूरिन पहली धार और अंतिम धार को छोड़कर बीच वाला इस्तेमाल करना है। स्वमूत्र से धोकर अच्छी तरह गुदा को पोंछकर इस तेल को सुबह शाम 2 बार नरमी से मत्स्यों पर इतना मलें कि मत्स्य तेल को सोख लें। इस तेल की नरम मालिश से मत्स्यों की सूजन, दर्द, जलन व सुइयां चुभने जैसी जो पीड़ा है उसमें आराम आ जाता है। और निरंतर प्रयोग करने से मत्स्य खुश्क हो जाते हैं। अगर मत्स्य गुदा द्वार के बाहर आ गए हैं तो इस तेल को लगाकर मत्स्यों को अंदर किया जाए तो बिना दर्द के मत्स्य अंदर चले जाते हैं। बवासीर की उग्र अवस्था में भोजन में केवल लाल चावल यानी कि ब्राउन राइस और साबुत मूंग की दाल से बनी हुई खिचड़ी का सेवन करें और साथ में देसी गाय के घी और दही का भी सेवन करें। दोपहर भोजन के बाद पपीते का सेवन बहुत फायदेमंद है। सुबह व दोपहर खाने के आधे घंटे बाद ताजी मूली का आधा कप रस भी कमाल का फायदा करता है। स्मरण रहे, बवासीर से बचने के लिए गुर्दा को गर्म पानी से ना धोएं। गर्मियों के मौसम में छत पर रखी हुई टंकियों व नलों में पानी गर्म हो जाता है, उसकी बजाय ताजे पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा योगाभ्यास में आप 15 से 30 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम व 15 से 30 मिनट तक बाह्य प्राणायाम जरूर करें। अग्निसार क्रिया करें, साथ में अश्विनी मुद्रा का सुबह शाम अभ्यास करें। अश्विनी मुद्रा अर्थात गुदा को सिकोड़ना और फैलाना। इसके साथ मरम चिकित्सा यानी कि एक्यूप्रेशर में दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे, ध्यान से देखिए, अंगूठे के नीचे सुबह शाम 3-3 मिनट तक ऐसे दबाव डालें। अंगूठा ध्यान रहे टिप से ना दबाएं, मांस वाली साइड से दबाएं। सुबह शाम 3-3 मिनट तक दबाएं, इससे आपको पाइल्स में बहुत फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को क्लिक करके आप समाधान पा सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पता नोट कीजिए। हमारा पता है दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, सी 9x35, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 382 यानी कि 382 रोहिणी, सेक्टर 8, दिल्ली। आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 09311600900 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है info@divyarishi.com।